तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए बढ़ते खबरों की ओर, बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आज ओडिशा के चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम साय। ओडिशा में धुआंधार प्रचार करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। आज दो सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। बता दें कोटपाड़ा और उमेरकोटे में होगी चुनावी सभा। सुबह 11 बजे ओडिशा के लिए रवाना होंगे सीएम। तो बड़ी खबर है, जहां कोटपाड़ और उमेरकोटा में जनसभा होगी, सुबह 11 बजे ओडिशा के लिए रवाना होंगे सीएम। तो दो सभाओं के बाद शाम 4:30 पर रायपुर लौट आएंगे सीएम। तो रायपुर से आप वो बड़ी खबर बता रहे हैं, जो आज ओडिशा के चुनावी दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय रहेंगे। ओडिशा में धुआंधार प्रचार करेंगे सीएम साय। आज दो सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। और राजधानी रायपुर की ओर रुख करते, जहां से बड़ी खबर है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी ओडिशा में संभालेंगे प्रचार की कमान। आज ओडिशा में दो सभाओं को संबोधित करेंगे भूपेश बघेल। रायगढ़ में और कालाहांडी जिले में दो सभाएं करने वाले हैं। तो जहां एक ओर सीएम विष्णुदेव साय भी आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे, वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी आज ओडिशा में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। आज ओडिशा में दो सभाओं को संबोधित करेंगे भूपेश बघेल। आपको बता दें रायगढ़ और कालाहांडी जिले में दो सभाओं को संबोधित करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और सरगुजा सीटें शामिल हैं। वहीं मतदाताओं ने प्रत्याशी के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 71.06% मतदान हुआ। वहीं बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने गृहग्राम बगिया में अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए लोगों ने मतदान किया। भाजपा प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दें छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ, जिसमें रायपुर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई। वहीं रायपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस बार जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर ही मुहर लगाएगी और भाजपा इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीत रही है। देखिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। महापर्व था और बम्पर वोटिंग हुआ है, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, जनता का संदेश है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और जन जन की सेवा करने के लिए, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने बम्पर वोटिंग की है। और 7 सीटों पर आज चुनाव था, 4 सीटों पर पहले हो चुका है, 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत कर आएगी। सर, परिणाम तो अभी नहीं आया है, लेकिन परिणाम सकारात्मक अगर है और आप सांसद बनते, धरसुवा के लिए क्या करेंगे? जो भी धरसुवा की समस्याएं होंगी उसका समाधान करेंगे, पहले भी किया है, आज भी करेंगे। अगर देखा जाए तो धरसुवा विधानसभा क्षेत्र प्रदूषित क्षेत्र है और औद्योगिक नगर से घिरा हुआ है, और एक तरह से देखा जाए तो लोग जिल्लत की जिंदगी भी जी रहे हैं, इस पर कुछ करेंगे? अभी हमने पहले ही, आज से 10 साल पहले की, अब धरसुवा क्षेत्र में कोई नया उद्योग नहीं लगेगा उसको हमने रोक लगाया है। यहाँ का पर्यावरण अच्छा हो, यहाँ पर वृक्षारोपण हो, लोगों का जीवन स्तर सुधरे, इसके लिए निश्चित रूप से हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार की जो बात कर रहे थे, और आप लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, देश की क्या स्थिति बन रही है? अच्छी स्थिति बन रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है और 400 पार भी होना तय है। सर, मोदी जी का चेहरा चला? सर, निश्चित रूप से मोदी जी के काम, मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का नाम, मोदी जी का कर्म, मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का कृतित्व पूरा चला है और पूरे देश की जनता, पूरे देश ही नहीं पूरा विश्व अब मोदी जी को नेता मानने लगा है। आज नया खबर आया था कि भारतीय जनता पार्टी तो काफी मेहनत की है, हमारे धरसों क्षेत्र के विधायक भी तबियत खराब हो गए उसके, और बिगड़े तबियत के बावजूद उन्होंने वोटिंग किए हैं, इस बारे में कुछ कहेंगे? मेरी शुभकामना है कि उनकी तबियत जल्दी ठीक हो जाए। और चलिए आगे बढ़ते, बता दें लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने अपने गृह ग्राम दशरंगपुर में मतदान किया। इस दौरान सभी 11 सीटों पर उन्होंने जीत का दावा भी किया।
देश का गर्व लोकतंत्र के महापर्व पर आज अपने सहभागिता जो है वो दिखाई है, आम जनों से किस तरीके से अपील करेंगे? आम जनों से हमारा पूर्णतः पहले से अपील रहा है, जरूर कमल छाप में बटन दबाए होंगे, ऐसी हमारी पूर्ण आशा है। बिलासपुर लोकसभा की बात की जाए तो मुंगेली का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लोग जो है मुंगेली को पर काफी भरोसा किए हैं। चार बार के आप सांसद रहे हैं, इस बार क्या लगते हैं? देखो अगर हम माने तो हमारा तो ये सीट बिलासपुर रिजर्व एक प्रकार का मुंगेली विधानसभा से लेकर मुंगेली जिला में, तो मुंगेली जिला में अभी मुंगेली जिला में बिलासपुर लोकसभा का दबदबा बनेगा और हम जीतेंगे, लगभग 3000 वोट से जीतने की हमारी दावा है। तो ये थे पुन्नूलाल मोहले जो क्षेत्रीय विधायक है, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और आम जनों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से इस सिलसिलाती धूप में जो है निकलकर सारे काम छोड़कर अपने मतों का प्रयोग करें। कैमरामैन नईम खान के साथ सैयद वाजिद, INH न्यूज मुंगेली। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें पेंड्रा में JCC के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी और अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है मतदान केंद्र पहुंचकर। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए अमित जोगी ने बताया कि उन्होंने फैसला लिया है कि वो खुद को एक साल तक राजनीति से अलग रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ये फैसला आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के बाद लिया गया है। इसी कड़ी में डॉक्टर रेणु जोगी ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान को लेकर कहा कि राष्ट्रहित में हम अपने विवेक से मतदान कर रहे हैं, हमने अपने कार्यकर्ताओं को निर्णय लेने स्वतंत्र किया है। कोटा और मारवाही क्षेत्र में मेरा घर परिवार है और मैं यहां के लोगों से जुड़ी रहूंगी। वहीं उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने वाले सवाल को लेकर कहा कि मैं आजीवन राजनीति से जुड़ी रहूंगी। देश में जब वन इलेक्शन वन नेशन होगा तब हम लोग शायद हर चुनाव लड़ सकें। अभी तो विधानसभा खत्म हुआ, अब लोकसभा आ गया, इसके 2-3 महीने बाद पंचायती राज के चुनाव आ जाएंगे, फिर ठंड में नगरी निकाय के चुनाव आ जाएंगे। तो छोटी पार्टियां जो हैं क्षेत्रीय पार्टी, हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम हर एक चुनाव लड़ें। और वैसे भी ये जो लोकसभा का चुनाव है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लड़ा जा रहा है, ऐसे में हमने अपने लोगों को अपने पार्टी से जुड़े लोगों को स्वतंत्र कर दिया है कि वो जिस दल के लिए भी जिस विचारधारा के लिए भी काम करना चाहें उनको पूरी स्वतंत्रता है। चुनाव से हम लोग वंचित नहीं हैं, राष्ट्रहित में अपने विवेक से मतदान कर रहे हैं और स्वतंत्र कर दिया है अपने सभी सदस्यों को जो पूर्व में हमसे जुड़े हुए थे कि वो स्वयं अपना निर्णय लें और जिस भी दल के को वोट देना चाहे वो स्वतंत्र हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें रायगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मेनका सिंह ने मंगलवार को दिन भर सभी मतदान केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है उससे लग रहा है कि हमारे पक्ष में रिजल्ट आएगा। चूंकि मतदान ज्यादा होता है तो बदलाव के लिए होता है, लोगों में जागरूकता भी आई है, जनता का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। नहीं, इससे हाई परसेंटेज से तो लगता हमारे फेवर में जाएगा, स्पेशली जशपुर साइड जो हाई गया, तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हाई परसेंटेज जब भी हाई होता है तो बदलाव के लिए होता है, ऐसा होता है, आई होप इस टाइम भी हो। और आगे बात करते हैं अंतागढ़ की, जहां अंतागढ़ टेपकांड मामले में हाईकोर्ट ने मंतुराम पवार की याचिका का निराकरण कर दिया है। इस केस में दर्ज FIR का खारिज खात्मा हो चुका है। केस में बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत, दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अमित जोगी, डॉक्टर पुनीत गुप्ता और मंतुराम पवार पर धोखाधड़ी, पैसों के प्रलोभन और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में जांच पूरी करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने याचिका का निराकरण कर दिया। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने SIT की जांच की शुरुआत करा दी थी।
तो अंतागढ़ टेप कांड मामले का जो निराकरण है वो हो गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इससे खारिज कर दिया है। बघेल सरकार में इसे लेकर एसआईटी की जांच कराई गई थी, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने इस पर निराकरण कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाने वाली कांग्रेस की मीडिया समन्वयक रही राधिका खेड़ा भाजपा में शामिल हो गई। मंगलवार को दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में राधिका ने पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राधिका ने सुशील पर शराब ऑफर करने और कमरे का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही थी। यही नहीं, राधिका ने कांग्रेस को राम विरोधी और हिंदू विरोधी बताया था। राधिका खेड़ा के साथ फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने भी भाजपा के सदस्यता ली है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं रामलल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। और एक मौका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा और जेपी नड्डा जी के द्वारा मुझे मिल रहा है विकसित भारत में अपना एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन देने का और नेशन बिल्डिंग में और भारत को सच में विश्व प्रसिद्ध, विश्व में सबसे बेहतरीन देश बनाने का ये मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने राधिका खेड़ा को, जो कि पहले कांग्रेस की प्रवक्ता थी पूर्व में और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में यहां पर विवाद हुआ था उनका कांग्रेसी नेताओं से, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब वो बीजेपी में शामिल हुई। और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर राम विरोधी और हिंदू विरोधी होने का भी आरोप लगाया है और बीजेपी में अब वो शामिल हो चुकी हैं। उनके साथ अभिनेता शेखर सुमन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें छत्तीसगढ़ में उन्हें मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाकर कांग्रेस की ओर से भेजा गया था, जिसके बाद उनका विवाद हुआ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं के साथ और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां से बड़ी खबर है भोपाल की ओर रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज कार्यक्रम। बता दें मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:30 पर मंदसौर में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 10:05 पर गरोट में भानपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:20 पर सुआसरा के शामगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 12:30 पर पहुंचेंगे रतलाम। बता दें रतलाम के पेटलावत पहुंचने वाले हैं पंडित श्री कमल किशोर नागर की कथा में शामिल होंगे। दोपहर 1:45 पर थंदला में जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो करेंगे। दोपहर 2:45 पर उज्जैन के महितपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 4:00 उज्जैन में युवा मोर्चा सम्मेलन में शामिल होंगे। 5:20 पर सोनकच्छ में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं शाम 6:30 पर सीहोर के आष्टा में रोड शो में भी शामिल होंगे। तो बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण का जो मतदान है वो 13 मई को मध्य प्रदेश में होना है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें आज कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, कई जगह कार्यक्रमों में शामिल होंगे, रोड शो भी करेंगे और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से भी आज मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें पूरे दिन भर का उनका शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं। थांदला में जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। दोपहर 2:45 पर उज्जैन के महितपुर में जनसभा करेंगे। 4:00 उज्जैन में युवा मोर्चा सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें आगे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 9:30 पर मंदसौर में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह 10:05 पर गरोट के भानपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:20 पर सुआसरा के शामगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 पर रतलाम के पेटलावत पहुंचेंगे
सीएम आपको बता दें बड़ी खबर है, दिन भर का उनका कार्यक्रम बता रहे, सांदला में जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। दोपहर 2:45 मिनट पर उज्जैन के महितपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 बजे उज्जैन में युवा मोर्चा सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं शाम 6:30 मिनट पर सीहोर के आष्टा में रोड शो में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान अभी बचा हुआ है मध्य प्रदेश में, जो कि 13 मई को होना है, जिससे लेकर लगातार केंद्रीय नेतृत्व भी बीजेपी की ओर से दौरा कर रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, रोड शो भी करेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होने वाले हैं। और चलिए भोपाल की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर है, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे मालवा निमाड़। बता दें मालवा निमाड़ की 6 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, एक दिन में 6 से 8 सभाएं करेंगे और रोड शो भी करेंगे। 6 लोकसभाओं में 22 से ज्यादा जनसभा करेंगे, खंडवा, खरगोन, देवास, रतलाम, उज्जैन और मंदसौर में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो एक ओर जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। बता दें खंडवा, खरगोन, देवास, रतलाम, उज्जैन में और मंदसौर में कई विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे आईएनएस 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।